फ्रेंड्स, और आज की रेसिपी है आलू प्याज की कचौड़ी। इसके लिए सबसे पहले हम एक बर्तन में 4 कटोरी मैदा लेंगे। हम इसमें 1/2 कप सूजी मिला देंगे, साथ ही में 1 चम्मच नमक। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। हम इसमें 1/2 कटोरी रिफाइंड ऑयल डालेंगे, इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट आटा गूंद लेंगे। आटा तैयार होने के बाद हम इसके ऊपर तेल लगाकर इसे ढक कर 20 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। अब हम कचौड़ी की फिलिंग तैयार करेंगे, और उसके लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च। अब इसमें डालेंगे हम उबले हुए मैश्ड आलू। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच सौंफ का पाउडर, 1 चम्मच काले मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच आमचूर और 1 चम्मच गरम मसाला। हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच नमक। इसे हम मिक्स कर लेते हैं। अब मसाला हमारा भुन गया है। अब हम इसमें 1 बड़ी कटोरी चॉप्ड प्याज डालेंगे। मीडियम साइज़ के 8 प्याज लिए हैं मैंने। हमें धीमी आंच पर भून लेना है। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। धीमी आंच पर हमें इसे पानी सूख जाने तक पकाना है। हमारा फिलिंग तैयार हो गया है, ये देखिए। गैस को हम बंद कर देते हैं। अब हम आटे की छोटी लोइयां बनाएंगे। बेलन की मदद से हम इसे बेल लेते हैं। इसे हमें ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, ये देखिए। हमारी पूरी रेडी हो गई है। अब इसके सेंटर में हम फिलिंग रखेंगे। अब इसके किनारों पे हम थोड़ा थोड़ा पानी लगा देंगे। हम इसे अच्छे से सील कर देंगे। सील करने के बाद हम इसे हाथों से ही हल्का हल्का दबाकर फैला लेंगे, ये देखिए इस तरह से। ये हमारी कचौड़ी रेडी हो गई है। इस तरह से हम सारी कचौड़ियों को तैयार कर लेंगे। अब एक कढ़ाई में हम तेल गरम करेंगे और कचौड़ियों को इनमें डाल देंगे। तेल को हमने मीडियम लो पे गरम किया है।
गैस को हमें मीडियम लो फ्लेम पे ही रखना है। कचौरियों को आराम से इसमें पकने देना है। ये धीरे धीरे फूल कर खुद ही ऊपर आ जाएंगे, देख सकते हैं। अब इसे हम पलट देते हैं। हमें लाइट ब्राउन कलर आने तक तल लेना है। ये कचौड़ियाँ लाइट ब्राउन कलर की हो गई हैं, अब हम इसे तेल से निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारी कचौड़ियों को तल लेंगे। आलू प्याज की खस्ता कचौड़ी तैयार है। इसे आप चटनी के साथ सर्व करें।